दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme GT स्मार्टफोन के बारे में। टेक कंपनी Realme अपने अपकमिंग फोन Realme GT, जिसे पहले Realme Race के नाम से जाना जाता था। जैसा कि कंपनी इस फोन को 4 मार्च को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मार्केट में आने से पहले इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 5G के 2 पोस्टर को कंपनी ने रिलीज कर दिया है। जैसा कि पोस्टर में स्मार्टफोन के रियर डिजाइन को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, लुक के साथ पोस्टर में ये खुलासा हुआ है कि इस फोन में 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे सेटअप दिए जाएंगे। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें तो ऑफिशियल तौर पे Realme GT पोस्टर की बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि हैंडसेट के निचले हिस्से पे स्पीकर ग्रिल्स, USB टाइप सी का पोर्ट और हेडफोन जैक के ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही पावर बटन फोन के दाईं ओर देखा जा सकता है, जबकि ऑडियो बटन मुश्किल से दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि फोन के बाईं ओर इसे प्लेस किया गया है। इसके अलावा Realme GT के पिछले हिस्से पे रेक्टेंगुलर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें एक लंबी LED फ्लैश भी दिया गया है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो इस फोन का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। वहीं अगर इसके दूसरे इमेज को देखें तो ऐसा लगता है कि इस फोन का डिजाइन OnePlus के कंसेप्ट फोन से इंस्पायर्ड है। अब बात करें Realme GT 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि ऑफिशियल तौर पे ये जानकारी मिली है कि Realme GT 5G में काफी पावरफुल चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस फोन में क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 के साथ देखने को मिलेंगे। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.8 इंच की QHD प्लस का एक OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। साथ ही इस फोन का डिस्प्ले 160 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। जबकि अगर कैमरे सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी के 2 सेंसर को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि लीक पोस्टर से ये पता चलता है कि इस फोन में UFS 3.1 के साथ LPDDR5 RAM का सपोर्ट भी दिया जाएगा। जबकि इस फोन की एंटूटू स्कोर भी लीक हो चुकी है। लीक के अनुसार इस फोन में 770,221 पॉइंट मिले हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और ऐसा कहा गया है कि इस फोन का परफॉर्मेंस Mi 11 से भी बेटर देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस फोन में मिलने वाली बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो जैसा कि इस फोन में एक 5000mAh की बिग बैटरी दी जाएगी, साथ में 125 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जो कि अब तक का सबसे फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन साबित होगा। हालांकि इस फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों इस फोन की एक फीचर मुझे काफी पसंद आई, जैसा कि इस फोन में हेडफोन जैक का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस रेंज के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें हेडफोन जैक की मिसिंग हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फोन को 4 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि कंपनी इस फोन को अपने होम टाउन चाइना मार्केट में पेश करने वाली है। वहीं इंडिया लॉन्च की बात करें तो इस फोन को इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। जैसा कि इस सर्टिफिकेशन के अनुसार इस फोन को इंडिया में अप्रैल 1st या फिर 2nd वीक तक देखने को मिल जाएगा। साथ इस फोन की इंडिया प्राइस की बात करें, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।